हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि टैली में हम गोडाउन ऑप्शन कैसे चालू कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपके एक या एक से अधिक शहर में एक से अधिक गोडाउन हो सकते हैं, तो वो गोडाउन ऑप्शन हम चालू कहां से करेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ टैली पर हम है, ठीक है। तो आपको जाना इन्वेंट्री इन्फो, उसके ठीक नीचे आपको इन्वेंट्री इन्फो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आई प्रेस कीजिए, प्रेस करना है F11। तो जैसे ही F11 प्रेस करेंगे कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी और कंपनी फीचर्स में आपको यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स जो दिख रहा है यहाँ पे आना है और एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही एंटर प्रेस कीजिएगा यहाँ पे स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन में आपको दिखेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, तो यहाँ पे आपको करना है यस, एंटर प्रेस करना है। और अगर स्टॉक की कैटेगरी को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं। फिलहाल मैं गोडाउन ऑप्शन ही चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस करते हुए इसको अंत तक एक्सेप्ट करवा लीजिए और इस तरह से हम गोडाउन ऑप्शन चालू कर सकते हैं। अब हमें जो भी व्यापार करना है, जो भी बिजनेस करनी है, उसके लिए हम गोडाउन ऑप्शन चालू कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे हम करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ सामान हम परचेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ परचेज वाउचर में हमें आना होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें डेबिट और क्रेडिट वाला ऑप्शन चालू करना है, तो यहाँ पे हम प्रेस करते हैं F12 और यहाँ से हम इसको कर लेंगे चालू। ये देखिए दिया हुआ सिंगल एंट्री मोड इनेबल है, इसको हम डिसेबल कर देंगे और यहाँ से हम डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से लेकर के और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे नीचे तक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखिए ये सबसे पहले तो हम रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, तो रिसिप्ट वाउचर में आने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए और यहाँ से प्रेस कीजिए F6, रिसिप्ट वाउचर में आ गए। तो अब यहाँ कैपिटल अकाउंट को कर दीजिए क्रेडिट। अब जैसे सपोज कीजिए कि 4 लाख रुपए से आपका बिजनेस में आप और भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 लाख रुपए, और यहाँ कैश हो जाएगा और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल। तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट वाउचर में एंट्री, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें परचेज करना है। अब हमने बिजनेस में पैसा तो लगाया,